प्रतापगढ़ से है, जहां बेटियों और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, हत्या, बलात्कार एवं अपहरण जैसी घटनाओं के विरोध में जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और मोदी योगी और शासन प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्नाव कांड में आरोपियों को फांसी दो के भी नारे लगाए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवाकांत ओझा, जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री के पुत्र संजय पांडे, पूर्व सदर विधायक नागेंद्र सिंह और जिले के अन्य सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो घटना साथ साथ प्रतापगढ़ में जो दो बेटियां मारी गई, अभी जो अपहरण हुआ है, दो दिन पहले जो अपहरण हुआ थे, उन सबके खिलाफ रोज घटनाएं हो रही है। अभी गुंडा के बीच हुआ है, मानिकपुर के पास हुआ है, इन सब के खिलाफ हम लोग आज सांकेतिक के प्रकार से धरना दे रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे गाँव के बाद। और प्रतापगढ़ की भी जो बेटी जलाई गई मारी गई, इसके बारे में मुझे कहना है कि विधायक जी ने क्यों, हमारा आरोप है, हमारी पार्टी का आरोप है, विधायक जी ने क्यों बिना उसको विश्वास में लिए उसकी लाश को क्यों जलवा दिया, क्या साजिश इसके लिए?